बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे टिक्का पिज़्ज़ा। डो बनाना मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, वो आप मेरे लिंक पर जाकर देख सकते हैं कि डो किस तरह बनानी है। डो के मैंने दो तरीके आपको बताए हैं, दोनों देख लीजिएगा। और मैं आज सिर्फ आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। चलें देखते हैं कि पिज़्ज़ा किस तरह बनेगा और इसमें कौन कौन से अज़ा डलेंगे। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। नमक लिया आधा चम्मच, सुर्ख मिर्च आधा चम्मच, और चिकन मैंने बोनलेस लिया। चाट मसाला है आधा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच है, दही है दो चम्मच। इसके साथ इस्तेमाल करूंगा मैं, और जो सोया सॉस है वो हम एक चम्मच डालेंगे। सिरका ये एक चम्मच होगा, और जो चिली सॉस है ये भी तकरीबन आधा चम्मच होगा। अब इसे मैं मैरिनेट कर लूँगा अच्छी तरह। मैरिनेट करने के बाद इसे हम आधे घंटे या घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम इसे पकाएंगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या करना है। अब एक बर्तन में मैंने चार चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, और उसके अंदर जो हमारा मैरिनेट हुआ वह चिकन है वो मैंने डाल दिया, और चिकन को मैंने तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट किया। अब इसे पकाएंगे, और अब ये तकरीबन 10 मिनट बाद ये पक गया। इसमें घी छोड़ दिया। अब इसे मैं ठंडा कर लूँगा, और ठंडा करने के बाद मैं इसे पिज़्ज़े के ऊपर फिलिंग के तौर पर इस्तेमाल करूँगा। चले आप पिज़्ज़ा बनाते हैं। अब इस जगह पर हम केचप यूज़ करेंगे। इस दफ़ा मैं सॉस यूज़ नहीं कर रहा, केचप यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर मैं दादरी हुई मिर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसे रेड चिली फ्लेक्स कहते हैं। अब इसके ऊपर मैं चीज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ। मोज़रेला चीज़ भी मैंने इस्तेमाल करनी है, और चैटर्ड चीज़, दोनों चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, और वो मैं इसके ऊपर ऐड करूंगा। और साथ में मैंने शिमला मिर्च लिया उसे गोल गोल काट लिया वो रखूंगा, और टमाटर भी। प्याज इसमें मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो बस यही चीज़ें हैं, शिमला मिर्च है, टमाटर है, चैटर चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, और साथ में चिकन है। पहले मैं मोज़रेला चीज़ डाल रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो टिक्का बोटी मैंने बनाई है चिकन की वो डालूंगा। वो भी मैरिनेशन मेरी ठंडी हो चुकी है, वो भी इसके ऊपर अब मैं डालूंगा। इसको मैंने ऊपर नीचे से हीट इसकी दी है, टेम्परेचर इसका 180 रखा है, और इसे हम 15 मिनट तक पकाएंगे। अब ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल पक चुका है जी। 15 मिनट बाद मैंने इसे निकाला है। चीज़ देखें कैसी ज़बरदस्त इस पर मेल्ट हुई है, और चिकन भी अपना नज़र आ रहा है सारे का सारा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी रेसिपी आपको समझ आई होगी, और अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।